मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम देख पा रहे हैं और जैसा उन्होंने कहा था कि जैसे ही बजट पेश होगा उसके बाद वो लोगों से मुखातिब होंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखा है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताएंगे कि जो बजट उन्होंने रखा है उसमें मेन मकसद उनका क्या है। विकास की राह को तो आगे बढ़ाना ही है और किसानों को भी साधना है क्योंकि किसान इस वक्त नाराज चल रहा है। हालांकि इससे पहले के बजट में हमने देखा था कि किसानों को साधने की कोशिश की थी। उनके साथ खड़े रहने की और इस बजट में भी हमने देखा है किसानों को ऋण देने की बातें हो या किसानों को खेती करवाने की बात हो, उसमें सुविधाएं मुहैया करवाने की बात हो, तो तमाम तरह की ये बातें इस बजट में शामिल की गई हैं। अब ये देखना होगा जबकि मुख्यमंत्री बोलते हैं तो क्या इस बजट पर अपनी बात रखते हैं। योगी सरकार का पांचवा बजट है, चुनावी बजट है, उम्मीद बहुत ज्यादा थी, बजट का आकार बहुत बड़ा है और इस बजट में हर किसी को कुछ ना कुछ देने की बात कही गई है और लक्ष्य रखा गया है। सुनते हैं योगी आदित्यनाथ को। मील का पत्थर साबित होगा, कोरोना के मध्य देश के सबसे बड़े राज्य के लिए यह बजट एक नई आशा, एक नई ऊर्जा और उत्तर प्रदेश की नई संभावनाओं को उड़ान देने का एक माध्यम बनेगा। खास तौर पर हर घर को नल, हर घर को बिजली, हर गांव में सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने के संकल्प के साथ ही हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने का संकल्प इस बजट में निहित है। यह बजट प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके का प्रतिनिधित्व करने वाला यह बजट है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की भावना के अनुरूप यह बजट है। इसमें रोजगार की व्यवस्था, सभी वर्गों के उत्थान का इरादा, वंचितों, शोषितों एवं युवाओं के सुंदर भविष्य की रूपरेखा और उत्तर प्रदेश के नव निर्माण की संरचना भी इस बजट में निहित है। मैं शानदार बजट के लिए वित्त मंत्री जी को और अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्त आयुक्त जी को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों को इतने शानदार बजट के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बजट का है जो वर्ष 2020-21 के बजट से 37,410.06 करोड़ रुपये यानी 7.3% अधिक है। अगर आप देखेंगे कि COVID-19 के दौरान भी वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ लोक कल्याण की भावनाओं के साथ प्रत्येक तबके के हितों को इसके अंदर समाहित करते हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रम कदम उठाए गए हैं और उसके तहत हम सब जानते हैं कि विगत वर्ष COVID-19 के दौरान जिस प्रकार की स्थितियां थीं, उन स्थितियों में हम इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया न केवल आम जनजीवन
कोविड-19 के कारण प्रभावित हुआ था, बल्कि अर्थव्यवस्था को सबसे अधिक का कार्य को दौरान भी प्रदेश ने जिस संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़कर के कार्य किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। हम जानते हैं कि हमारे राजस्व की प्राप्तियों में जो हमारे लक्ष्य थे, उस लक्ष्य के अनुरूप उन प्राप्तियों को प्राप्त करने में हमें कुछ कठिनाई हुई। उस सब के बावजूद FRBM की जो सीमा भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने रखी है 4.5% का, हम उसको 4.17% तक ही हम लोगों ने सीमित करके रखा और उसके अंदर ही अपने इस बजट को प्रदेश के लिए सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख करके हम लोगों ने आज का ये बजट प्रस्तुत किया है। बजट में मुख्य रूप से जिन चीज़ों की तरफ आप देखेंगे कि बजट की अपनी एक थीम होती है, उत्तर प्रदेश का यह बजट हम लोगों ने जब 2017-18 में अपना बजट प्रस्तुत किया था, तब हम लोगों ने वह बजट प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। 2018-19 का हमारा बजट प्रदेश के औद्योगिक विकास को समर्पित था। 19-20 का हमारा बजट मातृशक्ति को समर्पित था और 20-21 का हमारा बजट युवाओं, प्रदेश के युवाओं के लिए और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को समर्पित था। तो इस बार का यह बजट जिस पर फोकस किया गया है, यहाँ पर हम लोगों ने प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास और प्रदेश के विभिन्न वर्गों के स्वावलंबन के माध्यम से सशक्तिकरण को आधार बनाकर के इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग को और आसान करने के लिए हर घर को जल, हर घर को बिजली, हर गांव को सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया के साथ प्रदेश में समग्र विकास की एक रूपरेखा इस बजट के माध्यम से प्रारंभ की गई है। खासतौर पर जब हम कृषि क्षेत्र की ही बात करते हैं, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को विस्तार दिया गया है।